दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के सर में क्यों हुआ दर्द? एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्साह मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, परंतु उत्साह में भगवान श्री कृष्ण शामिल नहीं हुए। रुक्मणी जी ने कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलवाया और नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपके सर दर्द का क्या कारण है? आप तो स्वयं भगवान हो। तब श्री कृष्ण बोले कि कोई भक्त अगर मुझसे सच्चा प्रेम करता है, वह अपने पैरों की धूल अगर मेरे सर पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा व रुक्मणी जी बोली, प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने पैरों की धूल आपके सर पर लगा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। तब नारद जी ने चरणों की धूल के लिए बड़े बड़े ऋषि, साधु, संतों व भक्तों के पास पहुँचे, परंतु उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि वह नरक के भागी बन जाएंगे। तब नारद जी वृंदावन पहुँचे। जैसे ही गोपियों को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के सर में तेज दर्द हो रहा है, तब राधा रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने वह पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे ले जाइए और भगवान श्री कृष्ण के सर पर लगा दीजिए, जिससे उनके सर का दर्द कम हो सके।